गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। उसमें हम आज पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हम इस टॉपिक में ही पढ़ेंगे कि जो कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसमें जो पहला पेज रहता है उसमें रहता है प्रीएम्बल पेज। तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए वहां के लीडर्स ने या उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वैल्यूज उन्होंने मद्देनजर रखते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ओके, हर एक कंट्री का प्रीएम्बल यानी कि जो फ्रंट पेज जिसमें कि ये मेंशन किया जाता है कि हमने किन किन आदर्शों पे किन किन वैल्यूज पर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ओके, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। अब हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज को इंस्पायर किया गया, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल करी थी, जो हमने देश की आजादी के लिए जो स्ट्रगल करी थी उसने कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। उस आजादी के स्ट्रगल की वजह से जो वैल्यूज आए उन वैल्यूज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। दिस वैल्यूज आर इम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble of the Constitution. पूरे Constitution का एक ही समझ लीजिए summarize करता है। Preamble basically front, just like आपने books आपने open करी होगी उसमें आप acknowledgement page पढ़ते हो जिसमें वो ऑथर जो होता है वो लिखता है कि मैंने कहा किसने मुझे इतना इंस्पायर करा ये बुक लिखने में या फिर ऐसे। ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल पेज होता है यानी फ्रंट पेज होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक समराइज करता है कि हमने किन किन आदर्शों पे क्या क्या वैल्यूज पर हमने हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ओके, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हैव चोजन टू बिगिन और इसकी शुरुआत सबसे पहले किस कंट्री ने करी थी, अमेरिकन कंट्री ने जिसने प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस करा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की भी हेल्प ली थी। लाइक जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिया था वो हमने कैनेडन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जो हमें राइट मिले हुए राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें मिले हुए हैं, जो राइट्स हमें मिले हुए हैं ये हमने कौन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए। तो ये सारे अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज जो हमने फ्रीडम के दौरान फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमने जो समय फेजेस देखे थे कॉमन पीपल से लेके तो हमारे लीडर्स उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। तो सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रीएम्बल पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किन आदर्शों पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। सो वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर परफेक्ट यूनियन एस्टैब्लिश जस्टिस ensure domestic fraternity, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessing of liberty to ourselves and our prosperity to ordain and establish this constitution of United States of America। अब इसमें जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट करने की है कि हम एक परफेक्ट यूनियन यानी सब मिलजुल के रहेंगे इसके साथ साथ एस्टैब्लिश जस्टिस यानी कि न्याय एस्टैब्लिश करेंगे इसके साथ साथ सभी को डोमेस्टिक फेटर्निटी या इक्वालिटी मिलेगी। फेटर्निटी यानी कि भाईचारा डोमेस्टिक प्रोवाइड द कॉमन डिफेंस जो लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कॉमन डिफेंस वो प्रोवाइड करेंगे जो लोग जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी जो जनरल वेलफेयर में सबका भला करने के साथ साथ सभी को लिबर्टी यानी कि इक्वालिटी मिले टू आउटसाइड एंड प्रोस्पेक्टिव टू ऑर्डेन एंड एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहीं ना कहीं इन सारे मद्देनजर रखते हुए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके, आप जो सेकेंड हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका का। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमने पहला एग्जाम्पल लिया था वो हमने साउथ अफ्रीका का लिया था। तो आइए जानते हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या बोलता है।
We the people of South Africa recognize the injustice of our past, honor those who suffered for justice and freedom in our land. प्रीएम्बल के स्टार्ट होता है जो हमारे हम जितने भी नागरिक है साउथ अफ्रीका के वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो जो कि हमारे साथ अन्याय है हमारे पास में उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उन सबका सम्मान करते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है हमारे कंट्री में न्याय लाने के लिए और एज वेल एज आजादी लाने के लिए फ्रीडम लाने के लिए. रिस्पेक्ट दोज़ हू हैव वर्क्ड टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री. इसके साथ साथ हम रेस्पेक्ट करते हैं कि जो जिन लोगों ने हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए बिल्डअप करने में अपना योगदान दिया है एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हू लिव इन इट. और यह हम ये बिलीव करते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो भी रहे हैं जो कोई भी रहे हैं है ना भले वो नेटिव अफ्रीकन हो या जो व्हाइट अफ्रीकन हो यूनाइटेड इन आवर ओनरशिप यानी सॉरी यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी. ओके इसका मतलब ये है कि हम सब यूनाइटेड रहेंगे भले ही हम डाइवर्स हैं मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के हैं पर हम सब यूनाइटेड रहेंगे. ओके द रिपब्लिक सो हैज टू डील द डिविजन्स ऑफ द पास्ट एंड एस्टैब्लिश सोसाइटी बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू सोशल जस्टिस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. अब रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र है यानी कि सब जो भी जिसके रिपब्लिक हम ये बोलते जिसको रिपब्लिक उसको बोलते जहां पर हम गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. ओके डील द डिविजन ऑफ द पास्ट हमने जो भी पास्ट में हमने जो भी झेला है ना उसको हम डील करेंगे और हम अब जो स्टैब्लिश करेंगे हमें एक डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करेंगे गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे जो कि सोशल जस्टिस यानी सबके लिए न्याय देगा एंड एज वेल एज जो भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसको भी स्टैब्लिश करेंगे. Lay the foundation for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and here citizen is equally protected by law. Improve the quality of life of all citizens and free potential of each person and build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nation. May God protect our people. अब इसके बाद जो इन्होंने जो राइटिंग लिखी वो वहां से नेटिव लैंग्वेज है उसमें लिखी है. ओके सो यहां पर इन्होंने बोला कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फाउंडेशन रहते हैं जहां पर जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो वहां के पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेगी वहां के पीपल को चैलेंज करेगी कि हम सब इक्वली प्रोटेक्टेड है मीन्स एवरीवन इज इक्वल है बिफोर द लॉ और इक्वली प्रोटेक्टेड है बिफोर द लॉ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे हमारे सिटीजन्स की और एक डेमोक्रेटिक नेशन को बिल्डअप करेंगे. ओके और उसके साथ साथ एक सोवरेन स्टेट बनाएंगे. सोवरेन स्टेट का मतलब यही होता है कि कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्रीज के फैसले नहीं लेगी हमें अगर कोई दूसरी कंट्रीज के अपॉन में फैसला आना तो हम इंडिपेंडेंटली उस कंट्री के अगेंस्ट एंड फेवर में हम फैसला लेंगे यानी कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्रीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगी कि आप ऐसा फैसला लीजिए या आप वैसा फैसला लीजिए. सोवरेन स्टेट का मतलब ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट है इंटरनल मैटर्स में फैसला लेने के लिए भी इनफैक्ट एक्सटर्नल मैटर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स में जो दूसरी कंट्रीज के लिए जो फैसले लेने उसमें भी हम इंडिपेंडेंटली फैसले ले सकते हैं. ओके अब हम पढ़ेंगे हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को. ओके द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन अ डेमोक्रेसी कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन व्हिच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड. इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ इन एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड. इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा प्रीएम्बल जो दूसरी कंट्री का प्रीएम्बल वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस आधार पर लिखा गया है या किस आधार पर बनाया गया है. आइए जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप equality of status and opportunity and to promote among them all
fraternity assuring dignity of individual and dignity of an integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to her we adopt enact and give to ourselves the constitution. ओके इसमें एक हाईलाइटेड चीज है, पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर. इस लाइन का मतलब यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्रॉ किया गया मतलब बनाया गया है वो कहीं ना कहीं जनता ने यहाँ के पीपल्स ने बनाया है जिन और किन्होंने बनाया जिन इन जनता ने जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनको हमने चुना था हमें लीडर्स को ये जनता ने चुने हैं और उन्होंने ही ये लिखा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी राजा ने हमें हमारे ऊपर ना नहीं थोपा है ना ही किसी अदर कंट्रीज ने हमारे ऊपर ही कॉन्स्टिट्यूशन थोपा है. ओके सोवरेन का मतलब ये होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. तो इधर पहले मैंने सोवरेन का मतलब समझा है कि हमारे देश इंटरनल मैटर्स पे भी इंडिपेंडेंटली फैसला ले सकता है एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स यानी अदर कंट्रीज से रिलेटेड भी कोई फैसला ले सकता है. अदर कंट्रीज हम पे दबाव नहीं बना सकती है फैसला लेने के लिए. नो एक्सटर्नल पावर कैन डेलीगेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब वही जो मैंने बताया कोई दूसरी आपको एक्सटर्नल पावर या कोई दूसरी कंट्रीज हमें दबाव नहीं डाल सकती कि आप ये फैसला क्यों ले रहे हैं. ओके सोशलिस्ट वेल जनरेटेड सोशलिज्म शैल बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी. जो भी वेल्थ जनरेट होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेयर हो गया. ओनरशिप ऑफ लैंड अगर हम देखें इंडस्ट्रीज का तो वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती रहती है अपनी ओनरशिप कि यह जमीन हमारी है ये आप एग्रीकल्चर लैंड के लिए या गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहती है. इस टाइप से ये सोशलिस्ट बना रखा है, इसका मतलब ये होता है. सेक्युलर वर्ड आता है, सेक्युलर वर्ड मीन सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, है ना. सेक्युलर रिलीजन का मतलब है कि यहाँ की जनता किसी भी रिलीजन को अपना सकती है. ओके इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारा तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भारत इंडियन देश इंडिया देश का भारत देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं. ओके गवर्नमेंट इज ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट को सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा विद इक्वल रिस्पेक्ट. ओके डेमोक्रेटिक फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इलेक्ट द रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स. डेमोक्रेसी मैं आपको बताने जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत लाइक सिविक्स तब से आप पढ़ रहे तब से आप पढ़ रहे डेमोक्रेसी का मतलब कि यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. ओके सभी को पॉलिटिकल इक्वल राइट्स मिलते हैं. ओके गवर्नमेंट भी रन करते हैं बेसिक रूल्स पे, जिसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरेडिटरी पोजीशन, यानी रिपब्लिक यानी कि हम हमारी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हेरेडिटरी यानी कोई राजवंशज या फिर जैसे पहले के जमाने में चलता था वंशज कि ये राजा का बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, ऐसा कोई नहीं है. यहाँ पर जो भी राजा चुना जाएगा या फिर जो भी हमारा हेड चुना जाएगा हमारे देश का उसको थ्रू इलेक्शन हम इलेक्ट करेंगे. जस्टिस सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली द डिसएडवांटेज ग्रुप. जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप सभी जानते हैं कोई किसी भी इंसान को जस्ट बिकॉज की कास्ट जेंडर या फिर रिलीजन के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, उसके साथ इनजस्टिस नहीं करना है. गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है और इनके वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना. लिबर्टी का मतलब लिखा है देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन इनवॉल्व विद थिंग हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड व्हाट दे विश टू फॉलो अप इन देयर एक्शन. लिबर्टी का मतलब कहीं ना कहीं आजादी होता है कि यहाँ की जनता को पूरी आजादी है कि वो क्या उसको बोलना है, क्या वो सोच सकता है, क्या उसको काम करना है, इसकी पूरी आजादी यहाँ भारत की जनता पर है ना. इस बात को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते सिटीजन पे कि आप ये काम क्यों कर रहे हो या आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जिसको कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो लिबर्टी वाले में इंक्लूड किया लिबर्टी ऑफ थॉट, है ना, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी उसको एक्सप्रेस करना बोल सकता है, कोई भी किसी भी बिलीफ जो भी वो मानता है
किसी भी धर्म को मानता है, किसी इंसान को मानता है, फेथ वर्शिप जिस भी धर्म को पूजना चाहता है पूज सकता है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, है ना। इक्वालिटी और इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। इक्वालिटी अगर समानता सभी लॉ के इक्वल कानून के सामने इक्वल है, ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी सब टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी इक्वल है ना, सभी इक्वल है, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के, सभी जेंडर के पीपल इक्वल है, ओके। किस कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भले वो नेता हो, भले वो इकोनॉमिक हो या मतलब फाइनेंशियली वो रिच हो या पुअर हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। फ्रेटरनिटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इनफीरियर। फ्रेटरनिटी का मतलब ये होता है भाईचारा, ओके, कि सब एक आपस में मिलकर भाईचारे के फॉर्म में रहेंगे, भाईचारा रहेगा, कोई भी एक दूसरे को ऐसा ट्रीट नहीं करेगा कि वो भारी व्यक्ति है, ओके। अब इसमें जो लास्ट में ये बोला गया कि हमने 26 जून 1949 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वहां पर इसको सबमिट कर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया इसको। फाइनली 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखिए 26 जून 1949 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिस असेंबली में बनाया गया था वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को पारित कर लिया गया था, उन्होंने की अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब मान लिया गया था कि हाँ ये अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी सर्वसम्मति से, ओके। ये हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो किन किन प्रीएम्बल से कहना कि हमें आइडिया लग जाता है कि किन किन आधारों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कौन कौन सी वैल्यूज ऐड की गई है। अब इसमें एक चीज है, जो टर्म्स सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है वो जो 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि कोई चेंजेस, 42nd वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस की गई थी जो कि 1976 में की गई थी, सब ये दो वर्ड इंक्लूड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, यानी 1949 में ये दो वर्ड नहीं थे, ओके, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड 1949 में, जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है ये 1949 के समय ऐड नहीं किया गया, इनको 1976 में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऑन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 42nd टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए थे। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लॉ में या फिर के नियम कायदे कानून में जब भी चेंज करते हैं उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ओके। अब लास्ट जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ओके, आइए इसके बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी, एज वी हैव रिटोल्ड नॉट डेड अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेनी अबाउट इनकोडिंग दिस वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट, मच ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट, इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, therefore it needs to be amendment quite regularly to keep it updated, है ना। अब आपके दिमाग में आ रही अमेंडमेंट यानी चेंजेस क्यों करे, उस समय जो लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में बना गया, पर लेकिन सिंस कंट्रीज में भी काफी सारे डेवलपमेंट हो गए हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं रेगुलरली, इसमें अपडेट करना पड़ता है, ओके। दो कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेंज इन सोसाइटी, जिन्होंने भी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने उनके दिमाग में यही था कि हमें पीपल को प्रेरित करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, एज वेल एज उनकी सोच को भी बदलना है, उनको सोसाइटी में हमें चेंज लाने हैं। जब से अगर हम सोसाइटी देखें और आज की सोसाइटी देखें, एंशियंट टाइम की सोसाइटी देखें और आज की देखें, एंशियंट टाइम इन द सेंस इन द ईयर 1945 के आसपास की सोसाइटी देखें और आज की 2020 के हम सोसाइटी देखें, तो काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो वही वो चाहते थे कि हमारे पीपल, जो भारतीय जनता है पीपल से, इनमें ये प्रेरित भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इनमें चेंजेस, हमारे सोसाइटी में चेंजेस भी आए। दे डिड नॉट सी इट इज दे डिड नॉट सी इट एज अ सैक्रेड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ, सो दे मेड अ प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फॉर टाइम टू टाइम। तो इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड करी थी कि आने वाले समय में अगर देश की जनता को ऐसा लगता है या फिर हमें लीडर्स को ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बनाया गया था इसमें अब चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हम वो लोग लिख कर गए थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाकर फ्यूचर आप चेंजेस कर सकते हो, ओके।
दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस चेंजेस का नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, येट द बेसिक इंस्टीट्यूशन डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, इट डिफाइंस हु विल हैव टू मच पावर्स टू टेक दिस डिसीजन, and it put limits to what government can do by providing some rights to a citizen that can not be violated. The remaining three chapters in the book are about these three aspects of working of Indian constitution. We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in the democratic politics. आगे के तीन चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। ओके, अभी इसमें जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बेसिक जो चीज हमें अभी तक हमें नॉलेज है कि हाँ हम हमारे देश में हम हमारे गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, हमारे लीडर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, उस लीडर्स की भी कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है, जिसकी वजह से कुछ राइट्स दिए गए हैं कि उन राइट्स को वायलेट किए बिना जब भी कोई लॉ बनेगा या कोई रूल बनेगा तो उन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए ही वो नियम बनने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राइट्स को आप ताक पे रखकर कोई नियम बना दो, ऐसा कोई भी आप लॉ नहीं बना सकते जिसमें कि जो हमें बेसिक राइट्स मिले हुए हैं, जो पांच हमें राइट्स मिले हुए हैं वो वायलेट हो। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स आपके वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे राइट्स वायलेट होते हैं तो वो लॉ उसी वक्त खारिज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सम पावर सिटीजन्स को भी दी गई है, कुछ हमारे लॉ मेकर्स को भी दी गई है और कुछ हमारे लीडर्स को भी दी गई है। सो उसके आधार पर उन्हीं बाउंड्रीज के विदिन ही हमें लीडर्स को हमारे काम करना है, एज वेल एज हम सिटीजन्स को भी। ओके, यहां पर आपका चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट होता है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।